नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जगह न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि ये मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है निजी स्कूल की फीस के मामले को लेकर। आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे साथ पेरेंट्स हैं, लेकिन बातचीत होगी कि क्या गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में फर्क है, क्या गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा किया जा सकता है या फिर फीस माफ कराई जा सकती है। तो मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है। मैम, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ये अंतर है कि गवर्नमेंट अपनी टीचर्स को 50,000 सैलरी देती है और ये प्राइवेट स्कूल वाले अपनी टीचर को 2,000 सैलरी देते हैं। कितना डिफरेंस है मैम। लेकिन हम लोग जो है वो किस पे विश्वास करते हैं, 2,000 लेने वाले पे विश्वास करते हैं, ना कि 50,000 लेने वाले पे विश्वास करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये प्राइवेट स्कूल वाले नहीं रोकथाम लगा सकते तो ये गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बना दीजिए कि हम जो अपने बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल। सर, आप क्या कहेंगे? आज की डेट में ये संसद में भी ये मुद्दा जो है वहाँ पे उठा है। मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा, मैं वैसे भी उनसे बड़ी उम्मीद है कि अगर आप लोग ये प्राइवेट स्कूलों पे कोई रोक नहीं लगा सकते हो, जो इनकी डिमांड से डे बाई डे इस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकते आप लोग, तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि हम सारे अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हाईली एजुकेटेड है, वहां पे मैट्रिक पास टीचर नहीं आएगा। प्राइवेट स्कूल में वो रखेंगे उसको वहां पे, बट गवर्नमेंट में नहीं रखेंगे वहां पे, तो हम अपने बच्चों को वहां डाल देंगे। कुछ ऐसा करिए कि पूरा देश आपको याद करेगा, ये बच्चे जो हैं ये पूरी कंट्री का फ्यूचर हैं। ये मुहिम चलाई भी जा रही है कि गवर्नमेंट स्कूल को बहुत अच्छा किया जा रहा है, जमीनी सतह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ और कहना चाहेंगे कि आज की डेट में भी आप डेली देख रहे हैं कि बच्चे जो है पानी में ऐसे बैग ऐसे उठा के, कपड़े आप ऊपर उठा के ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ओपन जहाँ के बिल्डिंग ही नहीं है बच्चे वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। एक टीचर है पूरे स्कूल के लिए, वो भी आज की डेट में है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छा करिए, ऐसा बनाइए कि जहाँ से हमारे बच्चे जो निकल के कल देश के लिए कुछ कर सकें, ये पता लगना चाहिए कि ये किस स्कूल से बच्चा निकला है। उस कंडीशन में सारे पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपने निकाल सकते हैं। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल को और ज्यादा बेहतर करिए कि प्राइवेट स्कूलों की धांधली वहाँ की धरी रह जाए। देखिए मैम, हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनका काम सराहना है, पूरी जनता उनको मानती है, पूरा इंडिया हमारा नहीं पूरा वर्ल्ड उनको मानता है। लेकिन वहीं पे ओपोजिशन में हमारे केजरीवाल जी, मैं उनकी एक काम की ऐसी सराहना करता हूँ, सल्यूट करता हूँ उनको। उन्होंने वहां पे एजुकेशन को ऐसा बना दिया, गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा बना दिया कि आज प्राइवेट स्कूल को बच्चे भेजने के बजाय लोग गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया दिल्ली में। उसी को सीख लेकर अगर हर चीफ मिनिस्टर, जितने भी सीएम हैं हमारे स्टेटों के, अगर वो उन्हीं को सीख लेकर अपने अपने एजुकेशन जो एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया, स्मार्ट क्लासेस बनाएंगे, एसी रूम्स बनाएंगे, हर तरह की फैसिलिटी देंगे, क्योंकि टीचर तो ऑलरेडी उनके पास है, तो फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे डालेंगे। अगर वो प्राइवेट स्कूल वालों के माफियाओं के नीचे या उनसे डरते हैं या उनको रोक नहीं लगा पा रहे, तो ऐसा गवर्नमेंट स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, ऐसी चीज तैयार कर दी जानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे भेजे ही ना। चलिए, अब मैं सब पेरेंट्स से एक एक जवाब यहाँ पर लेना चाहूंगी कि क्या अगर सरकार गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति सुधारती है तो क्या आप लोग वहाँ पर अपने बच्चे डालेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर। यस मैम, ऑफ कोर्स, बिल्कुल डालेंगे मैडम, बिल्कुल डालेंगे मैम, बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे। ये हर किसी को बोलना है क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का ही मसला है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से हम बात करें तो बार बार पेरेंट्स के द्वारा यही कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेकिन आज मैं हर एक पेरेंट जो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, डेफिनेटली मैडम बिल्कुल हम गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। अगर गवर्नमेंट स्कूल अपनी जो हालात है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे तो डेफिनेटली मैडम बिल्कुल डालेंगे मैम, बिल्कुल मैम। अगर स्कूल सुधरेगा, गवर्नमेंट स्कूल सुधरेंगे तो हम डालेंगे अपने बच्चों को वहीं पे। हाँ, मेरा तो वैसे भी जाने वाला 10th में, उधर क्या करना पड़ा कि हम इतनी फीस दे नहीं सकते, हमने गवर्नमेंट में डालना। एग्जैक्टली, यही बड़ा मसला है कि फीसें इतनी ज्यादा नहीं भरी जा सकती है। मैं पहले अमित जी सबसे एक एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जरूर डालेंगे जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर डालेंगे जी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हम जरूर डालेंगे। सर आप जी? डेफिनेटली मैम डालेंगे अपने बच्चों को स्कूल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अच्छा मिलेगा
तो हम प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएंगे, हम प्रेफर करेंगे आज आप हर किसी पेरेंट का बोलना बहुत जरूरी है कि क्या गवर्नमेंट स्कूल को मद्देनजर रखते हुए अगर हमारी सरकार काम करती है, इनिशिएटिव लेती है, अच्छे से कदम वहां पर उठाए जाते हैं तो हमारा हर एक पेरेंट अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए राजी है। आपने देखा किसी को भी आज छोड़ा नहीं गया, हर एक पेरेंट से सवाल था कि क्या अगर सरकार अपने गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारती है, उसमें थोड़ी सी कमियां जो हैं वो उन्हें पूरा किया जाता है तो क्या पेरेंट उसमें अपने बच्चे डालेंगे, तो सबका जवाब हाँ में था। तो इस पर सरकार को बहुत गौर करने की जरूरत है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े क्योंकि इतनी ज्यादा फीस वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। काफी ज्यादा फीस जो है वो इस वक्त चल रही है प्राइवेट स्कूल में और लगातार जिस तरह संसद में भी मामला है लेकिन अभी भी बहस ही चल रही है, कानून नहीं बना है। जी अमित जी। मैडम जी मैं आपको बताता हूँ, 10 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर की ये एडमिनिस्ट्रेशन का हालत दिखाता हूँ मैं, जीती जागता सबूत। पहले भी एक डी अटैचमेंट को ऑर्डर निकला था कि जो अटैच किए गए टीचर हैं सीईओ ऑफिस में और डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस में उनको डी अटैच किया जाए। वहीं पे मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 10 तारीख को एक ऑर्डर निकाला गया डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से, अनुराधा मैडम की तरफ से, कि जो टीचर अटैच किए गए हैं सीईओ ऑफिस में उनको डी अटैच किया जाए, अपने अपने स्कूलों में जाके वो बच्चों को पढ़ाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूं आज भी इंस्पेक्शन टीम बनाइए, आज भी वहां भेजिए, सीओ ऑफिस में वही टीचर आज भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो नहीं मानते इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आप बताओ इसके आगे किसका हल है, ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है, ये सिर्फ स्कूल ही नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये प्राइवेट स्कूलों से मिली हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये प्राइवेट स्कूलों से मिले हुए हैं। इसीलिए आज हमने वोटिंग की है कि सरकारी स्कूल चाहिए या फिर प्राइवेट स्कूल चाहिए और हर एक पेरेंट का कहना था कि सरकारी स्कूल ही चाहिए, उसके अंदर पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर हर एक वो सहूलियत होनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे टीचर जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट देकर वो पास होते हैं, डिग्रियां हासिल उन्होंने की होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन पर भरोसा जताने की जरूरत है कि वो हमारे बच्चों को पढ़ाएं क्योंकि वो खुद एक पढ़े लिखे हैं और एक औहदे पर रहते हैं और पढ़ा लिखा इंसान बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स चाहते हैं कि सरकार को गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति सुधारनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।